हमले में तबाह हुए यूक्रेन के इरपिन इलाके में न्यूज 18 की टीम पहुंची। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी, जिसकी वजह से इरपिन के कई इलाकों में भारी तबाही मची थी। रूसी हमले में वहां की कई इमारतें बर्बाद हो गईं। इस बीच न्यूज 18 की टीम इरपिन के उस इलाके में पहुंची जहां हर तरफ बमों और मिसाइलों से हुए हमलों की निशानियां बिखरी पड़ी थी। उनमें एक पेट्रोल पंप भी था जिसका नामो निशान तक मिट गया। यही नहीं, पंप के पास कारों की सफाई के लिए बनाया गया शेड हो या फिर खाने पीने की चीजों की दुकानें, सब तहस नहस नजर आईं। ये जो खेत है, इधर से रूसी सेना हमला कर रही थी, जवाबी कार्रवाई भी यूक्रेन की तरफ से की जा रही थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इरपिन के इस इलाके पर रूसी सेना ने हमला नहीं किया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए टूटी इमारतों का मलबा जस का तस पड़ा है और जो लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर गए थे वो नहीं लौटे हैं।